दोस्तों ड्यूक 200 BS6 और BS4 में क्या अंतर है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो ये ड्यूक 200 BS6 है और ये BS4 है। अगर आप अंतर देखेंगे दोनों बाइकों में तो फ्रंट में ही आपको इनमें अंतर दिख रहा होगा, क्योंकि इसकी हेडलाइट चेंज कर दी गई है, पूरा मॉडल इसमें चेंज आपको मिल रहा है। और अगर आप ये देखेंगे तो ये पुराना मॉडल है। और मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा जिसमें आपको आगे LED DRL के साथ हैलोजन हेडलाइट मिलती है, जबकि यहां पर आप देखेंगे तो टोटल आपको हैलोजन वाली हेडलाइट मिलती है। पायलट हेडलैम्प यहां पर मिलते हैं। तो फ्रंट में अगर आप यहां पर देखेंगे तो अंतर यहां पर है। अगर आप इसके सस्पेंशन पर देखेंगे तो अपसाइड डाउन फॉर्क इसमें भी मिलते हैं और इसमें भी मिलते हैं, लेकिन यहां पर आपको रिफ्लेक्टर मिलता है जबकि इसमें आपको रिफ्लेक्टर नहीं मिलता था। और अब मैं आपको साइड से दिखाना चाहूंगा, आप यहां पर साइड में देख सकते हैं तो डिजाइन चेंज कर दिया गया है। ये बिल्कुल 250 CC की तरह दिखती है और इसका ये पुराना मॉडल है, ये ड्यूक 200 है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसका पेट्रोल टैंक का डिजाइन अलग है और इसका बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है। यहां पर आप देखेंगे इस पर ड्यूक 200 इस प्रकार से लिखा हुआ है और यहां पर आप देखेंगे तो KTM ड्यूक 200 इस पे इस प्रकार से लिखा हुआ दोस्तों। और अगर आप पीछे देखेंगे तो सीट भी चेंज है इसकी और इसके ग्रैब रेल चेंज किए गए हैं, बैक लाइट चेंज की गई है, पीछे का मडगार्ड चेंज किया गया है, टायर वही है, ब्रेक वही है, लेकिन इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। मैं आपको पास से दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप देखेंगे तो इसका ग्रैब रेल कुछ इस प्रकार से है और यहां पर आप देखेंगे तो इसका ग्रैब रेल और सीट ये सारी चीजें अलग डिजाइन में बनाई गई हैं। इसकी बैक लाइट भी चेंज कर दी गई है, यहां पर आप देखेंगे तो इसकी बैक लाइट कुछ इस प्रकार से थी और इसकी बैक लाइट कुछ इस प्रकार से बनाई गई है दोस्तों। और अगर आप इंडिकेटर देखेंगे तो यहां पर इंडिकेटर इसमें लगाए गए थे, जबकि यहां पर आप देखेंगे तो पीछे जैसे कि RC में लगाए गए हैं वैसे ही ड्यूक 200 में भी लगाए गए हैं, तो ये इसमें अंतर दिया गया है। अगर आप साइलेंसर में देखेंगे दोस्तों तो साइलेंसर में भी चेंज किया है KTM कंपनी ने, मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा इसके साइलेंसर में अंतर है। और दूसरा अंतर जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसका बेली पेन जो है, जो इंजन ये गार्ड है, इसमें भी अंतर दिया है KTM कंपनी ने, वहां पर आप देख सकते हैं वो अलग डिजाइन में है और ये अलग डिजाइन में है दोस्तों। इसके साइलेंसर में आपको ऑक्सीजन सेंसर मिलता है, कैटेलिटिक कन्वर्टर मिलता है, जबकि यहां पर आप देखेंगे तो इसमें ये सारी चीजें आपको नहीं मिलती हैं और इसका साइलेंसर भी अलग तरीके से लगाया गया है, तो साइलेंसर इसमें चेंज कर दिया गया है दोस्तों। इंजन वही है दोनों में, इंजन में कोई बदलाव नहीं किया क्योंकि पहले से ही इन दोनों बाइकों में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आता था। और अगर आप जैसे रेडिएटर गार्ड रेडिएटर देखेंगे तो इसके डिजाइन को भी चेंज किया गया है, उधर आप देख सकते हैं उसका रेडिएटर और इसका रेडिएटर, इसमें काफी अंतर किया है KTM कंपनी ने। अगर मैं आपको मीटर दिखाना चाहूँ, हैंडल बार दिखाना चाहूँ, तो हैंडल वही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं हैंडल वही लगाया गया है। अगर आप इसके मीटर को देखेंगे दोस्तों तो यहां पर मीटर वही सेम मिलता है और अगर आप यहां पर देखेंगे तो वही मीटर आपको इसमें मिलता है। अब रही बात जैसे कि इसके अगर आप चेसी देखेंगे तो इसमें स्टील ट्रेल फ्रेम लगाया गया है, इसमें नया आपको ये चेसी सारी चीजें ये फ्रेम इसका नया मिल रहा है, उसमें आपको ओल्ड मॉडल वाला मिलता है। तो यही अंतर है आपको KTM ड्यूक 200 और 200 BS6 में दोस्तों। आप लोग को इनमें से कौन सी बाइक का डिजाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।